एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से आए हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग बात करेंगे होम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसकी ये पार्ट 9 वीडियो है। इससे पहले हम 8 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। तो होम साइंस, या फिर हम इसे होम इकोनॉमिक्स कहें या फिर इसको किसी भी अदर नाम से जाने, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं जो कि देखने में बहुत ही अलग, मतलब दूसरे स्ट्रीम से लगती हैं, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड टू द होम साइंस। तो हम उन सभी को देखते हैं और हर बार उनको न्यू न्यू डिफरेंट डिफरेंट वेज में उनको लर्न करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इसी तरीके से इसी सीरीज को, क्विक रिवीजन वाली को, आगे मूव ऑन करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 9 वीडियो पर। आज मैं बहुत कम आपके लिए पॉइंट लेकर आई हूँ, लेकिन पॉइंट सारे ही बहुत अच्छे हैं, जिनको आप पढ़कर आपको बहुत फायदा होगा। और ज़रूर से इन पॉइंट्स को अपनी, जो आप जहाँ भी आप अपना सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको नोट डाउन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स को। सबसे पहले जो आपकी चीक्स होते हैं, यानी कि जो आपके गाल होते हैं, उनमें कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? तो उनमें ब्यूक्यूनेटर जो मसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, जो कि इंटीरियर पार्ट में पाई जाती हैं। वहीं जो आपका ऊपरी जबड़ा है, यानी कि जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मैग्जिला कहते हैं। और निचले वाला जबड़ा, यानी कि लोअर जॉ, को मैंडिबल कहते हैं। तो ये तीनों ही टर्म आपको याद रखनी है। आपसे पर्टिकुलर टर्म और फिर उससे कनेक्टेड वर्ड को आपसे या तो वो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, या फिर आपके हाँ नहीं, या फिर इस तरीके में पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरीके का आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जिसमें मिल्क टीथ को क्या क्या कहते हैं, इस बारे में हमने बताया है। देखिए, मिल्क टीथ जिन्हें हम प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, बेबी टीथ भी कहते हैं, या फिर डिसीडियस टूथ भी कहते हैं, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। और ये जो दांत होते हैं, वो 6 महीने, जन्म के 6 महीने बाद से बच्चे के मुंह में इनका उगना शुरू होता है, मतलब ये पॉपअप होने लगते हैं। लेकिन ये एज जो है वो वेरी करती है चाइल्ड टू चाइल्ड, बेबी टू बेबी, क्योंकि हर किसी का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो अलग होता है, हर किसी के जीन्स अलग होते हैं, हेरिडिटी अलग होती है। तो उन चीज़ों से भी ये कुछ वेरी कर सकता है। बट जो अगर आपकी ऑन एन एवरेज एज की बात की जाए, तो ये 6 मंथ के बाद में आपके मिल्क टीथ का आप जो विकास है वो देख सकते हैं। जो मिल्क टीथ है उनकी संख्या कितनी होती है? ये 20 होते हैं संख्या में, यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं या फिर बेबी टीथ होते हैं, संख्या में 20 होते हैं, टोटल 20 होते हैं। ये जब 6 वर्ष की आयु होती है, मतलब 6-7 एज ईयर्स की एज में इनका टूटना शुरू हो जाता है, या फिर ये गिरने लगते हैं, और इनके बाद में एक परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ जो है वो 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। हिंदी में बात करें तो कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। और इन सभी के अलग अलग काम होते हैं। कृंतक, कृंतक जैसे का जिससे जैसे कि आप हिंदी में बहुत आसानी से इसका मीनिंग कर सकते हैं, जो काटने वाले दांत होते हैं। रदनक यानी कि जो फाड़ने वाले दांत होते हैं। और मोलर जो होते हैं उनको अकलदार होती हैं, जो सबसे लास्ट में पाई जाती है। और अग्रचवर्णक जो कुचलने वाले दांत होते हैं। तो इस तरीके से 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे माउथ में मिलते हैं। और कौन से कितनी संख्या में होते हैं, ये भी हम प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। इनका जो सीक्वेंस होता है वो आपको याद रखना है, ICPM, ये आपका इसका फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। ICPM मतलब मैंने पीएम को देखा, मैं पीएम को देखती हूँ, ICPM। तो आपको याद रहेगा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 4 आपके जो प्रकार है दांतों के, वो हमारे मुंह में पाए जाते हैं। 6th हमारा पॉइंट है टाइलिन के बारे में। टाइलिन और गैस्ट्रिक जूस से इनएक्टिवेट हो जाता है। जो टाइलिन होता है, टाइलिन कहाँ पाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टाइलिन किस न्यूट्रिएंट पर, किस पोषक तत्व पर काम करता है और किस रूप में बदल देता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली PGT वाली वीडियो में हमने आपके लिए वो अपलोड किया है, और उसमें डाइजेशन का पार्ट चल रहा है, और हमने वहाँ पर अभी रिसेंटली इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो आप मुझे बताएंगे कि टाइलिन कहाँ कैसे मिलता है और क्या काम होता है। टाइलिन गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसे इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि टाइलिन
क्षारीय प्रकृति का होता है और गैस्ट्रिक जूस अम्लीय होता है और जो अम्लीय अम्ल क्षार को निष्क्रिय कर देता है, मतलब इनएक्टिवेट कर देता है या फिर डीएक्टिवेट कर देता है जो आपका अम्ल होता है यानी कि जो एसिड होता है वो बेस को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर उसके बाद हमारा सेवेंथ पॉइंट आता है स्टमक। स्टमक में भोजन डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए रुकता है यानी कि आपका स्टमक में फूड कौन सा फूड कितने टाइम के लिए रुकेगा ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 2 to 3 आवर्स, प्रोटीन इसको इससे ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेशन में, ज़्यादा टाइम ये रुकता है, और फैट को उससे ज़्यादा टाइम लगता है प्रोटीन से ज़्यादा रुकने में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, और प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू फैट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी में जल्दी यूटिलाइज भी हो जाता है। तो इसीलिए इन सभी के जो डाइजेशन का जो टाइमिंग है आवर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हमने एक छोटी सी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, यूजफुल लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए फटाफट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।